नमस्कार, मैं शिवम। आप सभी देख रहे हैं सिमरा दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। हवा मध्य प्रदेश से चंद्रशेखर महाजन सिंह की रिपोर्ट। प्रधाना राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रधाना जिले के SDM को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर किसान कर्ज माफी में वंचित किसानों के खाते में 2 लाख रुपए की राशि डाली जाए, गेहूं पर कम से कम 265 रुपए दिए जाएं, वहीं मंदसौर गोलीकांड के दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई किया जाए, पूर्व किसानों के आंदोलन में दर्ज प्रकरण कर जल्द वापस लिए जाएं, तहसील के गांवों को भी किसी परियोजना से जोड़ा जाए। SDM के न होने पर सुखदेव पटेल बाबू ने ज्ञापन लिया। ये मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। प्रधाना नगर में प्रगति के प्रति जागरूकता को लेकर नगर के 8 स्कूलों में पौधारोपण का आयोजन भी किया गया, जिसमें विधायक राम गौड़े, नगर परिषद अध्यक्ष परमानंद कुशवाहा आदि समस्त ग्रामीण एवं समस्त निवासी मौजूद थे। अनुसार सभी किसानों के 2 लाख कर्ज माफ हो, साथ ही सभी फसलों के बोनस तय हो और केंद्र सरकार से स्वामीनाथन की सिफारिश अनुसार C2+ के फार्मूले के अनुसार सभी फसलों दूध फल सब्जी अनाज का लागत का 1.5 गुना मूल्य हो, ऐसी मांगों को लेकर हमने यहाँ तहसीलदार महोदय का ज्ञापन किया। Yeah.